आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक श्री पाकेश्वर महादेव मंदिर की, जहां किसी भी प्रकार के चढ़ावा, भेंट, दान को स्वीकार नहीं करते हैं। यहां तक कि गुमनाम दान भी स्वीकार नहीं किया जाता है। यह मंदिर हरी भरी पहाड़ियों के बीच सड़क के किनारे मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित है। उत्तराखंड से लेकर पूरे भारत में कई शिव मंदिर है, लेकिन यह शिव मंदिर विशेष है। इस मंदिर में चढ़ावा न चढ़ाने की शर्त पर ही भगवान शिव के दर्शन होते हैं। श्री पाकेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य आकर्षण है यहाँ स्थापित शिवलिंग, जो दुर्बल पत्थरों और स्फटिक से बना हुआ है। स्फटिक एक प्रकार का बर्फ का पत्थर है, जो लाखों वर्ष बर्फ में दबे होने से बनता है। यह दिखने में चमकदार, पारदर्शी और कठोर होता है। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। पूरे मंदिर के ऊपर लगभग 140 से 150 से ज्यादा त्रिशूल बने हुए हैं, जो मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अब मंदिर के दीवारों पर लाल और नारंगी रंग से चित्रित किया गया है। बीच में काले रंग का एक झूला भी है। मंदिर में लगे शिलापट पर अंकित जानकारी के मुताबिक यह एक निजी प्रॉपर्टी है। इसका निर्माण शिव रत्न केंद्र हरिद्वार की ओर से वर्ष 1990 के दौरान किया गया है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ परोसे जाने वाला प्रसाद कड़ी चावल, दलिया या चाय आदि के रूप में दिया जाता है। पौराणिक शिव महापुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव जी को धतूरे के फूल, हर सिंघार व नाग केसर के सफेद पुष्प, सूखे कामल गट्टे, कनेर, कुसुम, आंख, कुश आदि के फूल अति प्रिय है। कहने का मतलब भगवान धन, ऐश्वर्य, छप्पन भोग आदि के नहीं, बल्कि प्रेम भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त भगवान की प्रेम भाव और श्रद्धा भावना के साथ भक्ति में लग जाता है, उन्हें ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। देहरादून में पहाड़ी की रानी मसूरी रोड पर स्थित श्री पाकेश्वर महादेव मंदिर भी इसी भावना का प्रतिबिंब है। तो बोलिए हर हर महादेव।